गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अदेशाज वर्ल्ड। सो गाइस आज मैं आपको कैसे मिरर पेपर बनाएंगे वो सिखाऊंगी। सो गाइस इस के लिए आपको चाहिए फॉइल पेपर जो कि आपके घर में होगा, तो इसमें आपको फॉइल पेपर चाहिए। इस मैंने बड़ा लिया है पर आपको एक छोटा टुकड़ा लेना है। ओके सो फिर आपको चाहिए एक वाइट प्लेन पेपर एंड सीजर एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट इज ग्लू। सो गाइस आपको क्या करना है, पहले आपको फॉइल पेपर का एक टुकड़ा काट लेना है, स्मॉल पेपर स्मॉल पीस चाहिए आपको छोटा सा। जितना बड़ा बनाएंगे मिरर पेपर उतना बड़ा ही आपको लेना है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा सा बनाना है। ठीक है तो मैं इसको ऐसे स्क्वायर टाइप काट रही हूँ। तो काटने के बाद मिलते हैं। सो गाइस मैंने इसको ऐसे शेप में काट कर लिया है, तो ऐसे या फिर आप कौन मतलब छोटा भी इससे बना सकते हैं, मैंने बड़ा लिया है। ओके इसके बाद मैं एक इसके साइज का पेपर ले लूँगी, आप ऐसे करके भी मेज़र कर सकते हैं ऐसे। तो मैं इसके थोड़े से बाउंड्री छोड़ूंगी ताकि मुझको पता चले कि कितना बड़ा मुझको चाहिए, मतलब अगर छोटा सा गलती से कट गया तो क्या करूँगी मैं, फिर कुछ फायदा ही नहीं रहेगा करने के लिए। सो गाइस मैं इसको कोई भी एक शेप से कट कर ले रही हूँ। ओके तो इतना तो हो ही जाएगा, इसका बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करने वाला ये, आई होप ऐसा ही हो। ओके सो फाइनली मैंने जो सोचा था वही हुआ, ये नहीं क्रॉस कर रहा है बाउंड्री लाइन तो इतना छोड़ रहा है। ये देखिए तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो है वॉल पेपर इसके ऊपर मैं मतलब ग्लू लगा दूँगी इसके पूरा चारों ओर। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैं डॉट डॉट करके दे रही हूँ ताकि ये पूरा कवर हो जाए। फाइनली मैंने इसको कर लिया, ये देखिए। ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे डॉट डॉट मैंने कर लिया और ये थोड़े बड़े बड़े दिख रहे होंगे, मैंने पास से आपको दिखाया। अब मैं अपने हैंड की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। ये बहुत सैटिस्फाइंग लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइंग। ओके ओ माय गॉड ये मेरे टेबल में लग गया, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं बाद में इसको क्लीन कर लूँगी।
Ouch. Oh my God. आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, पर मुझे तो अच्छे से दिख रहा है एकदम. अब क्या है बोलो, इसको मिक्स करने की है. मैं जब भी कर रही थी इसको मिक्स, ये बहुत ही मतलब सेटिस्फाइंग लग रहा था. अब मैं क्या करूँगी, इसको इस जो फॉइल पेपर को जिस तरफ आटा लगा है उस तरफ मैं पेपर लगा दूँगी. ओके, ये मेरे हाथ में नहीं चिपक जाएगा इसलिए मैं मतलब हाथ से मैंने मिक्स किया बट मेरे हाथ में सेट होके नहीं रह जाएगा. वही अगर चिपक गया ना एक बार, इसको मैं छोड़ाऊंगी पानी से धो धो कर. छोड़ो वो बात, छोड़ दो. अभी इसको मैं एकदम से कवर कर लेती हूँ पेपर के साथ. ओह माय गॉड, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हो. इसके बाउंडली, सॉरी क्या बाउंडली, बाउंडली क्या होता है, सॉरी मतलब बाउंड्री लाइन को ये बहुत ही छोड़ रहा है. पेपर का बाउंड्री लाइन मैंने छोड़ा था, मैंने जैसे कि आपको कहा है पहले. इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाउंड्री लाइन में जो वाइट पेपर का बाउंड्री लाइन जो है उसको काट दूंगी, क्योंकि उसको रखूँगी तो वो तो नहीं लगेगा ना. मतलब जो मिरर पेपर वो तो ऐसे लगेगा जैसे मैंने फॉइल को पेपर के ऊपर चिपका दिया और हो गया. ये कौन सा होता है यार, ये मतलब कैसा होता है समझ नहीं पाएंगे. तो मैं बाउंड्री लाइन को काटने का बाद मिलती हूँ. सो गाइस, मैंने कर लिया. देखिए इसके पीछे पेपर है और इसके आगे फॉइल पेपर है, देख सकते हो. ये मतलब फ़ोन में नहीं अच्छे से दिख रहा है पर मुझको अच्छे से दिख रहा है वॉल पेपर है, क्योंकि इसका जो आगे वाला है ना सिल्वरी टाइप का है और पीछे वाला वाइट. सो अब मैं इसको ऐसे भी रख सकती हूँ या फिर इसको लाइन लाइन से काट के यहाँ यहाँ से भी काट सकती हूँ, स्क्वायर छोटे छोटे स्क्वायर भी कर सकती हूँ, वो आपका मर्जी है. आप कैसे भी करके मिरर पेपर से कोई भी शेप दे सकते हो. तो मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ, उसमें एक छोटा सा पीस कट करूँगी. कट ये देखिए, मैंने एक स्क्वायर कट किया बड़ा सा और इसको मैं हार्ट शेप और गाइज ये जो मिरर पेपर है ये आप अपने कोई भी जो प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो. मैं इसको डस्टबिन में डाल दे रही हूँ. देखिए हार्ट शेप का मिरर पेपर, इसके जो इसका जो फॉइल का साइड है ये आपको इसमें मतलब छोड़ना है इसको, और जो पेपर का साइड है मैं अपना कॉपी ले रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ. गिर जा रहा है यार, गिर जा रहा है. इसका ढक्कन खुला था तो मैं अभी यहाँ पे इस साइड के पेपर में आटा दे के लगा दूंगी. मैं थोड़ा सा देखा हमने, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अपने हाथ से. और अब मैं इसको अपनी कॉपी में चिपका लूँगी. ये देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना. ऐसे करके आप अपने बहुत सारे बना सकते हैं और इसको आप अपने प्रोजेक्ट या फिर ड्राइंग में भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप कोई भी क्राफ्ट बना रहे हो, उसको डेकोरेट करना चाहते हो, उसको भी कर सकते हैं. तो मैंने पहले से ही कुछ बना के रखे थे ऐसे,
इस डब्बे मैंने रखा है, बहुत सारे ऐसे स्क्वायर में कट करके रखे थे मैंने। सो होप यू लाइक माई वीडियो गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।